वो होली के बाद से अब जाके ये वाला व्लॉग शूट कर रहा हूँ, यानी 2 दिन कोई व्लॉगिंग नहीं की। घर में दोनों दिन बैठा हुआ, कुछ भी समझ नहीं आता क्या करूँ। बट देखो यार, ये भी गंदा हो रहा है और पूरी की पूरी कार भी गंदी हो रही है, साफ करना है इसको, सफाई भी करवानी है इसकी बाहर से। तो अभी क्या है, मैं सोचा था यार मुझे एक एक्स्ट्रा एंगल चाहिए, जैसे कि ये तो अपने पास है ही है, ठीक है। एक चाहिए मुझे मोबाइल के लिए और ये घर में ही पड़ा हुआ था, मैं सोचा था एक परचेज कर लूँ, बट आज इसे ट्राई करता हूँ। एक तो इसका साइज काफी ज्यादा लंबा है, यहाँ पे अगर मैं इसे सेट करता हूँ तो थोड़ा सा ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा, थोड़ा स्पेसिंग की भी प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे, पर देखते हैं क्या बेटर रहने वाला है। क्योंकि मुझे एक एक्स्ट्रा एंगल चाहिए, ये काम नहीं किया तो लक्ष्मी मुझे कह रही थी कि मेरे पास एक स्टैंड पड़ा हुआ है जो कि यहाँ पे डैशबोर्ड पे लग जाएगा और वो काम आ जाएगा। तो देखते हैं, लेट्स सी ट्राई इट कि ये बेटर रहेगा कि वो बेटर रहेगा, जो भी रहेगा तब के तब देख लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। अदरवाइज यहाँ पे भी लगा दूंगा तो यहाँ कुछ ज्यादा मुंह के पास आ जाएगा यार, बहुत ही अजीब लगेगा ये एंगल। तो चलो पहले तो मैं थोड़ा सा कार को साफ सुथरा करूँ, थोड़ा कपड़ा मारूँ क्योंकि यार गंदा हो रहा है काफी ज्यादा और निकलना भी है मुझे। यार थोड़ा सा आगे हो जाए भाई, थोड़ा सा आगे हो जाए, बहुत अच्छा कॉट दिखा है। वाहन चलाते समय सुंदरी दर्शन ना करें, ओके भाई आगे ले ले। वाहन चलाते समय सुंदरी दर्शन ना करें वरना यमराज के दर्शन हो जाएंगे, ये आगे नहीं लिखना चाहिए था। एक हो गया, हेलो भाई, नारियल पानी यही चाहिए था। कौन है? बहुत टाइम से मन कर रहा था नारियल पानी पीने का, आज जाके मिला है। मेन में पानी है अभी? पानी नहीं है? क्या बात कर रहे हो, मुझे लग तो नहीं रहा। पानी है तो इतना भरा हुआ दिख तो रहा है, तुम्हारे में तो दिख रहा है, मेन में आई नहीं क्या? मेरे में तो है पानी, में क्वांटिटी अच्छी है। आज तो नहीं रहा। अरे नारियल पानी पीते अच्छा। हाँ क्या हो गया? पाइप ही फूटी पड़ी है बे दादा। सही है, मैंने दो पाइप ले ली थी। नारियल पानी का टेस्ट थोड़ा अजीब सा लग रहा है मेरे को, देते टाइम बाद पी रहा हूँ इसलिए ऐसा लग रहा है। सही तो है, वैसे ही वैसे ही है। वैसे के वैसे है। चौधरी साहब पूरा गाड़ी गाड़ी से पप्पी दिलवाओगे? रुक तेरे को लाइन से ही बाहर निकालता हूँ, बहुत दुखी कर रहा है, बहुत हार्ड बहुत हार्ड। आप लोगों को भी नारियल पानी गर्मी के टाइम है तो हफ्ते में तो 2 बार पी लेना चाहिए यार, कोई रेगुलर पी सकता तो रोज पियो। कितने का पड़ा वैसे? 50। यानी दिल्ली में मेरे घर के पास सस्ता है, मेरे यहाँ घर के पास पड़ता है 40 रुपये का और यहाँ पे 60, और कई जहाँ पे भाई साहब यही नारियल पानी 80 रुपये का पड़ता है। मैं वो सोच के हैरान हो, तो भाई इतनी महंगाई, लोकेशन वाइज अलग अलग जगह पे अलग अलग रेट रहता है, क्या बात है। तो भाई साहब बात कुछ ऐसी है कि पहुंचते पहुंचते बजने हो गए 1 घंटा 12 मिनट एग्जैक्टली, और अभी थोड़ी भूख लग रही है, थोड़ा यहाँ पे खाते हैं उसके बाद फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट लोकेशन पे अपने। तो थोड़ा सा कुछ खाना हो जाए तो ये बेटर रहेगा ना, एनर्जी होगी तभी तो आप लोगों के साथ बात करने में मजा आएगा, एनर्जी नहीं होगी तो आप भी कहोगे भैया कैसा सुस बंदा है यार ये। अपना खाना वगैरह हो गया, लंच हो गया प्रॉपरली भाई। देखो इस जगह के बारे में काफ़ी सुना था और टेस्ट की बात करें सेम वैसा ही टेस्ट निकला जैसे लोग कह रहे थे भाई, काफ़ी अच्छा टेस्ट था। और भाई हमने लिए 2 चीज़ें ली, एक हमने लिए दाल तड़का और हमने लिया फिर पनीर भुज्जी। भाई अब टेस्ट कैसा था? टेस्ट बढ़िया था, क्वांटिटी भी ठीक थी 2 जन के लिए। हाँ 2 लोगों के लिए क्वांटिटी ठीक थी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं, और स्पाइसी अगर किसी को पसंद है तो स्पाइसी भी अवेलेबल था, तो हमें तो वैसे ही बना के दिया जैसा हमें पसंद था बिना बोले। समोसा टाइम जो काम दाम करने के बाद दोबारा से थोड़ा स्नैक हो जाना चाहिए, इसलिए समोसा इस बार भूख भी लगी ना क्योंकि शाम को वो होने 5 बज गए। गाड़ी को सिर्फ 3 से 4 घंटे यहाँ खड़ा किया था, इतनी गंदी धूल यहाँ जम गई है, सुमित अभी यहाँ से साफ कर रहा है। और अभी सारा काम हमने तो निपटा लिया है, अब चलना है सीधा घर की ओर क्योंकि एक ऑर्डर आया हुआ है, वो चीज़ मुझे वेरीफाई करना है सही आया कि नहीं आया। पर भाई सच में आज का दिन ना काफ़ी इंटरटेनिंग रहा, काफ़ी मज़ेदार रहा। अभी ब्रेकफास्ट वगैरह भी हमने किया था जो कि खाए थोड़े समोसे भैया ने ले आए क्योंकि भैया सुबह से हम आए हुए थे 1 बजे से और हल्की फुल्की भूख लगी थी, हमने कहा चलो थोड़ा खा लेते हैं। हाँ 2 रुपये दे दो, पैसा ना बैठ, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं यार। जैसे मैंने बोला था कि कुछ सामान मंगाया था एंड वो सामान अभी मेरे पास आ चुका है, अभी इसमें देखते हैं कि मैंने मंगाया क्या था। भाई काफ़ी टाइम से मैं इसका भी वेट कर रहा था क्योंकि मेरा एक चीज़ ख़राब हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो जी दूसरा मंगा लेते हैं, तो एक वीडियो हो जाए जिससे भाई कल को कुछ प्रॉब्लम निकलती है तो मैं इस वीडियो प्रूफ का यूज़ कर सकता हूँ कि हाँ जी भाई मैंने जो मंगाया था वो चीज़ आया कि नहीं आया। बिकॉज अमेजोन में आजकल जितनी ज़्यादा फ्रॉडगिरी हो रही है ना भाई, उसके लिए एक फुल एविडेंस वीडियो बनाना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। यहाँ से इसे ओपन किया, ओके चलो भाई ठीक है। ये अभी आया है अपना रोड का माइक, ये उसका बिल, अब ये माइक है अभी ओपन करके देखते हैं इसके अंदर भी वही चीज़ें हैं कि नहीं है। ये अपना माइक वाला पाउच देखते हैं सारी चीज़ें हैं कि नहीं है। तो लो जी ये सारी चीज़ें तो परफेक्टली हैं, एक मिनट, थोड़ा सा स्क्रैचेस से लग रहे हैं मुझे,
हल्के हल्के इसमें स्क्रैचेस से हैं, शायद पैकिंग में हो सकता है ऐसा हो गया हो, बट इसको भी रखते हैं साइड में। चलो ठीक है, सामान आ गया फाइनली, अब इसे टेस्ट करता हूँ ये कैसा रहेगा, कितना अच्छा वर्क कर रहा है कितना अच्छा नहीं कर रहा है, तो टेस्ट करने के बाद ही मैं आपको बता सकता हूँ कैसा रहने वाला है।